हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पायल जाकर। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। आइए स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, द व्हीकल ऑफ अ कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। सो देखिए, एक कार है जिसकी स्पीड है 66 किलोमीटर और डायमीटर आपको दिया गया है 80, स्पीड आपको दी गई है 66 किलोमीटर। रेडियस कैसे निकालेंगे? 18 अपॉन में 2 कर देंगे, 2 1 2 2 4 8 0 का 0। अब देखिए, हमारे पास डायमीटर, स्पीड और रेडियस तीनों चीज है। ओके, तो इसमें कहा गया कि 10 मिनट का निकालना है, तो 10 मिनट से पहले हम 1 आवर का निकालेंगे। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते? 60। तो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। तो 1 आवर में क्या लिखेंगे हम? 1 आवर में 16 मिनट होते हैं और इक्वल टू में स्पीड उसकी 66 है। ओके, तो क्या करेंगे? 66 अपॉन में 16 कर देंगे। मल्टीप्लाई में हमें 10 मिनट का निकालना है, इसलिए 10 लग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 6 1 6 6 1 6 6 1 6 11 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर आया तो 1000 और मल्टीप्लाई में 100। ओके, इनको जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 11 लेक आएगा, 50s। ओके, ये आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना था कि एक रिवॉल्यूशन में कितना स्पेस लेता है, मींस कितनी स्पीड होती है उसकी। ओके, फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे? इसका फॉर्मूला था 2πr। ओके, 2πr की स्पेलिंग मींस पाई आर की जगह हम 2 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन में 7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमारा 14 है। ओके, तो हम कैसे करेंगे? अपॉन में करेंगे, 11 से करेंगे पहले, 1 1 1 2 3 4 5 कर देंगे, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 14, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा। इस मल्टीप्लाई का हम ऊपर ले जाएंगे। ओके, तो 22 से 22 1 से 22 22 5 5 1 2 3, ये जब इस पे कट होगा तो ये इतना जाएगा, मीन्स इससे जब कट होगा इतना आएगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद कितना होगा देखिए, 0 से 0 कट जाएगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद होगा 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में, ये हो जाएगा 1 2 3, ये आ जाएगा अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। ओके, तो 4 1 4 4 1 4 हो जाएगा, ये क्या बचेगा? 4 1 4 4 4 2 8 8 हो जाएगा। देखिए, डिवाइड कर लेते हैं 5000 को 4 से, 4 1 4 कैरी अपॉन में 1 अपॉन में 0 आ गया, 2 8 2 अपॉन में 2 5 20, उसके बाद फिर से 0 आएगा, तो इतना ही आ जाएगा, 0 हम लगा देंगे, 250 लगा देंगे। ओके, अब 2 से इसको कट करेंगे तो 2 1 2 2 6 12 2 4 2 2 4 2 5 10। ओके, अब 625 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 625 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 5 35, 7 2 14 15 16 17, 7 6 7 7 7 7 6 42 42 1 43। ओके, तो हमारा आंसर आ गया 43715। इतनी स्पीड से वो चलता है, मीन्स पूरा एक रिवॉल्यूशन कितने स्पीड से करता है, इतना, जो हमें फाइंड करना था। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 12.1। थैंक्स।